and welcome to Study IAS. My name is Aditi Sharma and I am your faculty for Environment and Ecology for UPSC, CSE, Prelims and Mains examination और आज है lecture number 10 and we are going to study about aquatic ecosystem. So let's get started. Now aquatic ecosystem is a community of organisms that live and interact within a particular environment and in an aquatic ecosystem, that environment is water and all the systems, plants and animals live either in or on that water. So the specific setting and type of water such as a freshwater lake or saltwater marsh determines which animals and plants live there. So now ecosystem as consisting of water as the main habitat. So it is being classified on the basis of salt content. So the first is your freshwater. Now the freshwater ecosystem, this amount of salt contained by freshwater bodies is very low and it's like less than 5 parts per thousand. For example, your lakes, pools, ponds, springs, streams and rivers. तो freshwater ecosystem में क्या होता है, जो salt content है वो काफ़ी कम होता है, मतलब 5 parts per thousand से भी कम. और ये आपको जैसे आपके लेक्स हो गए, पूल्स हो गए, पॉन्ड हो गया, स्प्रिंग्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, रिवर हो गए. ठीक है, तो दूसरा देखते हैं मरीन इकोसिस्टम. अब मरीन इकोसिस्टम में क्या है, जो वाटर बॉडी है उसका जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो या तो इक्वल होगा या अबव दैट ऑफ सी वाटर होगा. ठीक है, समुद्र के पानी से ज़्यादा होगा या कम होगा. तो जैसे कि मान लीजिए 35 पीपीटी और अबव. जैसे मान लीजिए आपका शैलो सी हो गया, ओपन ओशन हो गया, तो मरीन इकोसिस्टम में जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो या तो इक्वल होगा या ज़्यादा होगा. किससे ज़्यादा होगा? सी वाटर से. ठीक है, अब ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम देखते हैं. तो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में क्या है, जो उनका सॉल्ट कंटेंट है वो 5 to 35 पीपीटी के बीच में होता है. अब जैसे कि आपकी एस्चुरीज हो गई, सॉल्ट मार्शेस हो गई, मैनग्रोव स्वैम्स हो गए और फॉरेस्ट हो गए. ठीक है, अब देखते हैं एक्वेटिक. ये देखिए यहाँ पे ये क्लासिफाइड, मतलब ये डायग्राम है बिल्कुल शो हो रहा है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी रेंज. फ्रेश वाटर में काफ़ी कम, देन आपका ब्रैकिश में और मरीन में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है. ठीक है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा मरीन में है, उसके बाद ब्रैकिश में और सबसे कम है आपका फ्रेश वाटर में. फ्रेश वाटर को हम मीठा पानी भी बोलते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट आर दीज प्लैंकटन, नेक्टन, बेंथोस. तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, तो द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ अकरेंस एंड देयर एबिलिटी टू क्रॉस दीज जोन्स. यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ फॉर्म और लोकेशन. ठीक है, अब इसके कुछ 5 ग्रुप्स हैं. पहला आपका न्यूस्टन है, फिर पेरीफाइटन और ये प्लैंकटन है, नेक्टन हो गया और बेंथोस हो गया. अब पहले जानते हैं प्लैंकटन क्या होते हैं. तो प्लैंकटन क्या है, तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जैसे कि आपकी एल्गी हो गई. ठीक है, और एनिमल्स भी जो होते हैं like crustaceans and protozoans like your zooplanktons which are found in aquatic ecosystem except certain swift moving waters. ठीक है, सो जो यहाँ इनकी जो लोकोमोटिव पावर है प्लैंकटन्स की वो लिमिटेड होती है. ठीक है, तो इसी वजह से जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंट्रोल्ड होता है. सो इट्स बीन लार्जली बाय, अब ये क्यों है, इट्स मे बी बाय द currents जो कि aquatic ecosystem में होते हैं. ठीक है, दूसरा है आपका नेक्टन. अब नेक्टन क्या है, तो दिस इज़ अ ग्रुप दैट कंटेन्स एनिमल्स विच आर स्विमर्स. जो नेक्टन होते हैं दे आर स्विमर्स. ओके, तो जो नेक्टन्स हैं दे आर रिलेटिवली लार्ज और पावरफुल भी होते हैं और दे हैव टू ओवरकम द वाटर करेंट्स ऑल्सो. तो जो एनिमल हैं दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्विमिंग इंसेक्ट्स अबाउट 2 मिलीमीटर लॉन्ग टू द लार्जेस्ट एनिमल्स जैसे कि आपकी ब्लू व्हेल हो गई. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड स्विमर ऑल्सो. और काफ़ी पावरफुल भी होती है। पावरफुल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो ओवरकम कर सके वाटर करंट्स को। ठीक है, नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट बेंथोस। नाउ व्हाट आर बेंथोस? तो बेंथिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं विच फाउंड लिविंग इन दी बॉटम ऑफ दी वाटर मास, जो कि बॉटम मतलब बिल्कुल निचली सतह पर रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली एवरी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स वेल डेवलप्ड बेंथोस। ठीक है, नाउ व्हाट आर पेरीफाइटन? अब पेरीफाइटन क्या होते हैं? पेरीफाइटन वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच रिमेन अटैच टू द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंसेस इमर्जिंग अबव द बॉटम मड, सच एज आपकी जो सेसल आलगी हो गई। ठीक है, दे एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज न्यूस्टन? तो न्यूस्टन क्या है आपका? दे आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके पेरीफाइटन थे वो अटैच थे। ठीक है, स्टेम से, लीव से, ऑफ रूटेड प्लांट्स। अब ये न्यूस्टन कैसे हैं? दे आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म विच लिव एट दी एयर वाटर। अब ये कहाँ रहते हैं? एयर वाटर इंटरफेस पे। ठीक है, ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो सम ऑर्गेनिज्म स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइव्स ऑन द टॉप ऑफ द एयर वाटर इंटरफेस, सच एज वाटर स्ट्राइडर्स, वाइल अदर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम just beneath the air water interface and obtain most of their food within the water। तो यहाँ जैसे कि आपके बीटल्स हो गए और बैक स्विमर्स हो गए। अब देखिए जो फैक्टर्स हैं, the factors limiting the productivity of aquatic habitat। तो पहली चीज़ है sunlight। Now one thing you need to understand कि अब water body है, ठीक है, तो उसमें जो उसकी upper layer होगी सिर्फ वहीं तक सनलाइट पहुंच पाती है, नीचे डेप्थ तक सनलाइट का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो रैपिडली डिमिनिश होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है एज इट पासिस टू द डाउन द कॉलम ऑफ वाटर। तो डेप्थ में जाते जाते जो लाइट है वो पेनिट्रेशन उसका थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज आपको जो क्ले आ गया, सिल्ट आ गया, फाइटोप्लैंक्टन आ गया, तो वो क्या करते हैं? वो उसको और कम कर देते हैं। सो दैट मेक द वाटर टर्बिड विच लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन एंड द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन अ सिग्निफिकेंट वे। ठीक है, अब इट्स बेस्ड ऑन लाइट पेनिट्रेशन एंड द प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन दैट दे आर क्लासिफाइड एज फोटिक एंड एफोटिक जोन। अब लाइट के पेनिट्रेशन के हिसाब से ये दो डिस्ट्रीब्यूशन हुए, दो क्लासिफिकेशन हुए, एक तो है आपका फोटिक और दूसरा है ए फोटिक जोन। अब फोटिक जोन क्या है? फोटिक जोन है आपका दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लेक सरफेस डाउन टू वेयर द लाइट लेवल इज ओनली 1% ऑफ दैट द सरफेस। तो बोथ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक्टिविटी फोटिक जोन में हो जाएगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही है कि प्लांट्स को ज़रूरी है दैट दे प्रोड्यूस द फूड विद दैट। ओके, और रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन वहाँ पे जितने भी लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सांस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब एफोटिक जोन क्या हो गया? एफोटिक जोन वो होता है कि जहाँ पे जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो रेस्पिरेशन ही है सिर्फ वही हो पा रही है जोन में। एफोटिक जोन में सिर्फ रेस्पिरेशन हो पा रही है और फोटिक जोन में क्या है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो पा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डिजोल्व ऑक्सीजन। नाउ अब मान लीजिए जैसे हमको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, वैसे ही फ्रेश वाटर बॉडी है। ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अब जैसे कि डिजोल्व ऑक्सीजन का हम नाम सुनते हैं, तो जो ऑक्सीजन है दैट इज़ बीन लाइक डिजोल्व इन द वाटर ऑल्सो। जैसे कि आप पानी में मान लीजिए चीनी डालते हैं, ठीक है, एज यू ऐड शुगर इन टू द वाटर, तो वो अपने आप घुल जाती है, उसमें मिक्स हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो वो डिजोल्व कैसे हो पाती है? जो वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं वो जो शुगर के ग्रैन्यूल्स हैं उनको छोटे में तोड़कर उसको डिजोल्व कर लेते हैं। तो सेम विद द ऑक्सीजन ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो बीइंग डिजोल्व इन द वाटर। ठीक है, अब ये प्लांट्स को या जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको ये ऑक्सीजन मिलती कहाँ से? तो ऑक्सीजन एंटर्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम थ्रू द एयर वाटर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर से मिलती है, दूसरी फोटोसिंथेसिस से मिलती है। ठीक है. सो नाउ द ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वार्म वाटर. तो वार्म वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो लेस सॉल्युबल होती है. जैसे कि आपकी जो कैट फिश है, ठीक है, उसको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो दैट्स वाई वो वार्म वाटर कंडीशंस में रह सकती है. और जैसे कि आपकी सैल्मन है, उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो टेम्परेचर के हिसाब से सिर्फ कोल्ड वाटर बॉडी में रह सकती है. ठीक है. सो द वार्म वाटर ऑल्सो इन्हांसेस डीकम्पोजर एक्टिविटी, देयरफॉर increasing the temperature of a water body increases the rate at which oxygen is depleted from the water. ठीक है. अब जैसे जैसे जो water increase होगा तो जो water body है, ठीक है, उसका जो rate है oxygen का वो deplete होगा water से. ठीक है. So when the dissolved oxygen जो level है वो अगर below हो गया 3 to 5 ppm के, तो there are many aquatic organisms जो मर जाएंगे. ठीक है. Now temperature. So since water temperatures are less subjected to the change, the aquatic organisms have narrow temperature tolerance limit. So as a result, even small changes in water temperature are a great threat to the survival of aquatic organisms, which compared to the changes in air temperature in the terrestrial organisms. Now, मैंने आपको जैसे बताया कि temperature के हिसाब से ही जो aquatic organisms हैं, उनकी tolerance limit होती है. ठीक है. आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कैटफिश एंड सैल्मन ऑल्सो. नाउ गाइज कंसिडर दिस क्वेश्चन. इन एन इकोसिस्टम अ फ्लावरिंग प्लांट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय अ कैटरपिलर व्हिच इन टर्न इज ईटन बाय अ फ्रॉग. सो द फ्रॉग इज प्रेड अपॉन बाय अ स्नेक व्हिच इन टर्न इज कंज्यूम्ड बाय अ हायर प्रेडेटर सच एज एन ईगल. तो व्हाट काइंड ऑफ अ food chain does this feeding pattern represent? So now you people have to answer this question in the comment box, and in the next class we'll gonna continue with the process of eutrophication. And if you want Unacademy's Plus subscription, use code StudyIAS. And for further query, you can contact us on Telegram, Insta, Facebook, and you can even mail us. Thank you guys. Have a wonderful day.